हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। चलिए सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि पंचकुला से आ रही है। हनीप्रीत को सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में आरोप तय होने पर बहस होगी। दंगों पर दर्ज FIR 345 मामले पर भी सुनवाई होगी। और कल भी हनीप्रीत को कोर्ट में पेश किया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था। 19 जनवरी को 3 आरोपियों को जमानत भी दी गई थी। जमानत को खारिज करने के लिए याचिका पर बहस होगी। पुलिस ने याचिका लगाई थी, तो पुलिस ने ये याचिका लगाई थी जमानत को खारिज करने के लिए। इस पर अब सुनवाई होगी। 19 जनवरी को 3 आरोपियों को जमानत दी गई थी, जिसके बाद जमानत को खारिज करने के लिए याचिका पर अब बहस होगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए पंचकुला से हमारे संवाददाता शशि किरण अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शशि, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो आज हनीप्रीत पंचकुला के CGM कोर्ट में पेश होना है उसे, और उस पर जो FIR नंबर 345 है उस मामले में सुनवाई होनी है। आरोप जो तय होने हैं उनको लेकर जो है आज से बहस शुरू होनी है। इसी कारण से उसको पर्सनल तौर पर, जो व्यक्तिगत तौर पर पंचकुला CGM के पास जो है पेश होने के लिए कहा गया था, तो आज वो पर्सनल तौर पर पेश होगी। तो किस तरीके से कार्रवाई रहती है और कुछ रेलवे का पता चला। बिल्कुल शशि, 3 आरोपियों को जमानत दे दी गई थी। जमानत को खारिज करने के लिए याचिका पर भी बहस होनी है, उसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? ये बिल्कुल, जिस तरीके से 3 लोगों को जो आरोपी थे उनको भी जमानत मिल गई थी, उन पर भी जो आज बहस होनी है। और देखना होगा कि क्या इसमें कार्रवाई रहती है, क्योंकि जो सारे के सारे जो ये जिन लोगों को जो है जमानत मिल गई है वो लोग भी आरोपी थे, दंगों के आरोपी थे, लेकिन उनको फिर भी जमानत मिल गई, जिसका जो पुलिस ने दोबारा से सवाल उठाया था और दोबारा से कोर्ट में केस लगाया था, तो उस पर बिल्कुल पुलिस ने याचिका लगाई थी। शशि, ये अब पुलिस की ओर से आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से आगे की जो रणनीति है पुलिस अपनाएगी? हाँ जी, ने जिस तरीके से बताया, मैंने आपको पहले ही बताया कि पुलिस जिस तरीके से इन लोगों को जमानत मिल गई थी उसके बाद पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी, पुलिस ने दोबारा याचिका लगाई थी। तो अब जो है बॉल है कोर्ट के पाले में है कि वो किस तरीके से इसमें फैसला सुनाएगी। बिल्कुल, तो देखना होगा क्या कुछ फैसला कोर्ट सुनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो हनीप्रीत को सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल भी कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में आरोप तय होगी, बहस होगी। दंगों पर FIR 345 मामले पर सुनवाई होनी है। तो जैसा कि कल भी हनीप्रीत को कोर्ट में पेश किया गया था, और हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 3 आरोपियों को जमानत मिली है, जिसके बाद जमानत याचिका को खारिज करने के लिए पुलिस ने याचिका जो है वो डाली थी, और अब उसे लेकर भी जो है सुनवाई होगी। तो देखना होगा, क्योंकि इसके चलते पहले भी पुलिस की किरकिरी हुई है और अब पुलिस की ओर से याचिका लगाई गई है। तो देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ अब इसके चलते फैसला लेगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो कि चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर 24 सजायाफ्ता बंदियों को हरियाणा सरकार ने राहत दी है। कैदियों को रिहा करने के लिए फैसला लिया गया है। संगीन आरोपों में ये जो आरोपी हैं, जो कैदी हैं, वो सजा काट रहे थे। जेलों में अवैध रूप से मिलने वाले मोबाइल फोन पर अंकुश लगाया जाएगा। तो मोबाइल फोन पर अंकुश लगाने के लिए 4G जैमर भी लगाए जाएंगे। 4G जैमर के लिए 65 करोड़ की राशि को मंजूरी दे दी गई है। तो जेलों में अवैध रूप से मोबाइल फोन जो मिल रहे थे उन पर अंकुश लगाने के लिए अब ये फैसला लिया गया है। मोबाइल फोन पर अंकुश लगाने के लिए 4G जैमर जो है वो लगाए जाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो आपने सवाल किया जैमर के बारे में, तो जैमर के बारे में लगभग 68 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सरकार ने मंजूर कर दी है, लेकिन उसमें एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। दरअसल वो मंजूरी के लिए केंद्र के पास गया है और जल्दी जैसे उसकी मंजूरी आ जाती है ताकि उसको लगा दिया जाएगा। दो प्रमुख जेलों पर विशेष तौर पर नजर होगी, जिसमें गुड़गांव और रोहतक, इन जेलों में उसको प्रारंभिक रूप से लगाया जाएगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा मोबाइल जो है गुड़गांव से मिलते हैं, या जो है कहीं ना कहीं रोहतक भी जो जेल है वो संदिग्ध घेरे में रहता है। तो सरकार की कोशिश है कि सबसे पहले इन 2 जेलों में लगाया जाए और उसके बाद बाकी जेलों में धीरे धीरे जैमर लगाए। जो जैमर है ये 4G टेक्नोलॉजी का जैमर होगा और प्राइमरली जो 5G टेक्नोलॉजी आएगी उसको भी ये सपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार की सरकार की योजना है। इसके अलावा कल जब गृह सचिव और एडिशनल एडवोकेट जनरल और
जेल मंत्री किशन पवार की आपस में जब बैठक हुई हाँ। तो उन्होंने 24 कैदियों को भी छोड़ने का निर्णय लिया जो लगभग अपनी सजा को पूरा कर चुके थे और जो उनका अच्छा व्यवहार था उसके तहत 24 कैदियों को छोड़ा गया। और इसके अलावा जो हीनियस क्राइम कर चुके जो कैदी हैं जिन्होंने बेल जंप भी किए उनकी कुछ सजा को बढ़ाया भी गया। इस प्रकार के कुछ फैसले भी लिए गए। लेकिन जो जेल मंत्री है किशन पवार वो साफ कहते हैं कि किसी प्रकार के जो मोबाइल मिलने की वारदात है उसको तस्दीक लिया जा रहा है और आईजी को आदेश दिए गए हैं कि आईजी बराबर जेलों को चेक करेंगे, वहां पे अचूक निरीक्षण भी करेंगे और देखेंगे कि वहां का सिस्टम कैसे चल रहा है। लेकिन अगर किसी भी जेल से दोबारा मोबाइल मिलने की सूचना आती है तो जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करने में गुरेज नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रमेश तमाम अपडेट के लिए। तो मोबाइल फोन जिस तरीके से मिल रहे थे जेल में उस पर अंकुश लगाने के लिए 4G जैमर जो है वो लगाए जाएंगे। 65 करोड़ की योजना को सहमति मिल गई है और 24 बंदी जो है उन्हें भी रिहा कर दिया गया है उनके उचित व्यवहार को देखते हुए, साथ ही साथ उनकी सजा जो है वो पूरी हो रही थी इसे देखते हुए कैदियों को रिहा करने का फैसला भी लिया गया है और मोबाइल जो मिल रहे हैं जेल में उसे देखते हुए भी 4G जैमर लगाने की बात जो है जो योजना जो है वो चलाई जाएगी। इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का जो कि पंचकुला से आ रही है जहां पर झूठे हल्फनामे देकर प्लाट लेने का मामला सामने आया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी ने ये मामले दर्ज कराए हैं और 59 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये मामले दर्ज कराए गए हैं। रिजर्व कैटेगरी और डिफेंस कोटे के तहत एक से ज्यादा प्लॉट लेने का मामला सामने आया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस पर भी केस दर्ज है और कई सरकारी अधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पंचकुला से जहां पर झूठे हल्फनामे देकर प्लॉट खरीदे गए हैं और कई लोगों पर कई अधिकारियों पर भी यह मामला दर्ज किया गया है। रिजर्व कैटेगरी और डिफेंस कोटे के तहत एक से ज्यादा प्लॉट लेने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति एक ही प्लॉट खरीद सकता है लेकिन झूठे हल्फनामे देकर प्लॉट जो है वो खरीदे गए हैं। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस पर भी केस दर्ज किया गया है, उनका नाम भी सामने आया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शशि अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शशि, झूठे हल्फनामे देकर प्लाट जो है वो खरीदे गए हैं, क्या कुछ अपडेट है इसे देखते हुए? ये बिल्कुल जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि रिजर्व कैटेगरी के तहत जो प्लॉट थे और एक आदमी जो है एक प्लॉट खरीद सकता है डिफेंस कोटे के और रिजर्व कैटेगरी के प्लॉट थे हाँ। लेकिन लोगों ने जो है एक प्लॉट ना लेकर 4, 6, 2 इस तरीके से कई कई जो प्लॉट खरीद लिए थे। तो हिसार निवासी जो कर्नल धर्म सिंह है उन्होंने भी जो 4 प्लॉट खरीदे थे तो उनके उनके ऊपर जब ऑब्जेक्शन लगा तो उन्होंने याचिका डाली जिसके बाद खुलासा हुआ। 1500 लोगों पर पहले ही मामला दर्ज हो चुका है और हाल ही में जो नई FIR हुई है 59 लोगों पर हुई है। संपदा अधिकारी ने मामले दर्ज कराए हैं। 420 के तहत ये केस जो है दर्ज हुए हैं। इसमें जो है एक जस्टिस जो है पंजाब में हरियाणा कोर्ट के वो भी उनका नाम भी शामिल है हाँ। तो शशि, जिस तरीके से आपने बताया कि जस्टिस का नाम भी शामिल है, कई अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है और पूरे 59 लोग हैं जिनके खिलाफ FIR हुई है, तो अब किस तरीके से आगे की कार्रवाई की जाएगी? ये बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से जो है 59 लोग जो हाल ही में जो नए सामने आए, नए चेहरे सामने आए हैं उन पर FIR दर्ज हो चुकी है। अब जो है अगली जो कार्रवाई है हो सकता है कि गिरफ्तारी की अगली कार्रवाई शुरू हो हाँ। क्योंकि ये काफी बड़ा घोटाला कह सकते हैं। जिन लोगों के पास जो रहने को शेल्टर तक नहीं है, रिजर्व कैटेगरी तक एक आदमी एक ही ले सकता है हाँ। लेकिन धोखाधड़ी से क्योंकि वह अपनी कीमतें करोड़ों में पहुंच चुकी है हाँ। इस कारण से लोगों ने ये गबन किया है और अब इसका खुलासा भी हो चुका है। बिल्कुल शशि, कई नाम सामने आए हैं, कई अधिकारियों के नाम भी आए हैं, तो क्या लगता है और नामों का भी खुलासा हो सकता है इसके चलते, क्योंकि 59 लोग पहले ही सामने आ चुके हैं? ये बिल्कुल है, जिस तरीके से जो खुलासा हुआ है और हिसार निवासी कर्नल धर्म सिंह की याचिका के बाद ये खुलासा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि झूठे हलफनामे लेकर जो लोग है प्लॉट बुक कराते थे, प्लॉट खरीदते थे और एक एक आदमी ने कई कई प्लॉट ले रखे थे प्रॉपर्टी बनाने का, यही एक जरिया बना रखा था क्योंकि पहले प्लॉट सस्ते हुआ करते थे, अब जिनकी जो कीमतें हैं करोड़ों में पहुंच चुकी हैं हाँ। और इसी के जरिए वो जो है मोटा मोटा मुनाफा भी कमाते थे। हो सकता है इसमें कुछ अधिकारियों की शमूलियत भी हो, अधिकारी भी बीच में मिले हुए हों और अब इसमें जो है जिस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें अहम खुलासे होने की भी उम्मीद है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शशि तमाम अपडेट के लिए। इसी के साथ MD खान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर खबरें अभी तक में। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका जी।
तो जिस तरीके से ये गबन किया गया है, 59 लोगों का नाम सामने आया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस पर भी केस दर्ज किया गया है। झूठे हल्फनामे देकर प्लॉट खरीदे गए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसे देखते हुए? एक्चुअली जो ये मामला है, ये मामला ये है कि एक से ज्यादा प्लॉट लोगों ने झूठे हल्फनामे देकर अपने रिलेटिव्स के लिए, और कुछ ऑफिसर्स हैं इसमें सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने इन प्लाटों को, सरकारी प्लाटों को हड़पा है। तो पंजाब एंड हरियाणा उन्हें बलाई कोर्ट के आदेश के बाद ये इसमें 59 लोगों के खिलाफ, 59 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज हो गई है। और अब इसके अंदर आगे देखा जाएगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन किस एजेंसी को सौंपी जाती है, लेकिन इसमें लगता यह है कि ये मामला बहुत पेचीदा मामला है और इसमें ऑनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सब बिल्कुल काफी पेचीदा मामला है, आपने भी कहा। तो जिस तरीके से 59 लोगों के नाम सामने आए हैं, अधिकारी भी इसमें शामिल है, जस्टिस भी इसमें शामिल है, तो क्या लगता है गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गिरफ्तारियां होंगी और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल एजेंसी के लिए सौंपी जाएगी आगे। ये मतलब है जो अभी FIR लॉज हुई है, अब देखते हैं इसमें किस एजेंसी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट इसके इन्वेस्टिगेशन के आदेश देते हैं। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी किस एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये पूरा मामला सौंपा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया MD खान जी खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो झूठे हल्फनामे देकर प्लॉट खरीदने का ये मामला सामने आया है, गबन का मामला सामने आया है, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कोर्ट जो है वो फैसला इसको देखते हुए लेता है, क्योंकि तमाम चीजें सामने आ रही हैं और अब जिस तरीके से कई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज हुए हैं, तो गिरफ्तारियां होना यहां पर वाजिब है। नेशनल स्टाइल कबड्डी का आज समापन होगा। समापन में केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह हिस्सा लेने वाले हैं और इनामी प्रतियोगिता में देश भर की टॉप 12 टीमें भाग लेंगी। तो प्रो कबड्डी वर्ल्ड कप और एशियन चैंपियनशिप के स्टार खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे और शाम करीब 6 बजे कबड्डी चैंपियनशिप का समापन होगा। तो 19 फरवरी को ये कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई थी, जिसका आज समापन होगा। टॉप 12 खिलाड़ी जो है इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो नेशनल स्टाइल कबड्डी का आज समापन होगा। 19 फरवरी को ये कबड्डी प्रतियोगिता जो है इसकी शुरुआत हुई थी और समापन में केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हिस्सा लेंगे और इनामी प्रतियोगिता में देश भर की टॉप 12 टीमें भाग लेंगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जीन से DS अहलावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अहलावत, नेशनल स्टाइल कबड्डी का आज समापन होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है? जी, आज एक करोड़ी टूर्नामेंट का समापन होने वाला है, जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्रीय इस्पात मंत्री और खेल मंत्री अनिल विज शिरकत करेंगे। और ये जो प्रोग्राम है वो आज शाम को 3 बजे है, क्योंकि आज फाइनल होने हैं, जिसमें से चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। तो कड़े मुकाबले के बीच में आज इनका समापन होना है। 1,51,00,000, 25,00,000 और 11,00,000 की इनामी प्रतियोगिताएं जो जींद के एकलव्य स्टेडियम में चली हुई हैं, इनका आज समापन होना है। और जी, तो 19 तारीख से प्रतियोगिता शुरू हुई थी, आज समापन होना है, क्या कुछ खास तैयारियां जो की गई हैं खिलाड़ियों के लिए, क्या कुछ तमाम प्रबंध किए गए हैं वो जानना चाहेंगे? जी, ये जो हर प्रकार के खिलाड़ियों के लिए चाकचौबंद बंदोबस्त किए गए हैं, जहाँ सुरक्षा को लेके, ठहरने को लेके, खाने पीने के और आने और ले जाने के लिए, तथा इसके साथ साथ उनको प्रैक्टिस करने के लिए भी हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं, जिसमें यहाँ चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर खेल 5 दिन से यही डेरा लगाए हुए हैं, और किसी भी प्रकार की ना पब्लिक का हो और ना ही खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। तो अभी टॉप 12 जो टीमें हैं वो इसमें हिस्सा लेने वाली हैं, किस तरीके की खास तैयारियां उनकी हैं प्रतियोगिता को देखते हुए? जी, जो 12 टीमें हैं पूरे इंडिया से, जो 12 टीमें आई हुई हैं, उनमें से आज कल जो हुए थे वो क्वार्टर फाइनल के लिए हुए थे और आज सेमीफाइनल के होने हैं। सेमीफाइनल में 4 टीमें अग्रिम रह जाएंगी, उन 4 टीमों के मुकाबले सेमीफाइनल और उसके बाद फिर फाइनल में होना है, जिसमें फाइनल चारों मुकाबलों के लिए, जिसमें 1 करोड़ का इनाम है, 51,00,000 का, 25,00,000 का और 11,00,000 का। चार टीमों को इन 12 टीमों में से अलग अलग चूज करना है। इनके साथ साथ बेस्ट कैचर, बेस्ट रेडर का भी खिताब इन्हीं खिलाड़ियों में से चूज करना है, जिनका आज समापन के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह इनको इनाम देके
सम्मानित करेंगे। चलिए डीएस अहलावत बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि आज इस प्रतियोगिता का समापन होना है, 19 तारीख से इसकी शुरुआत कर दी गई थी और करीब 1 करोड़ का जो इनाम है वो जीतने वाली टीम को दिया जाएगा। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का जो कि भिवानी से आ रही है, जहां पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला युवक वकील बना है। तो कह सकते हैं कि मेहनत करने से मंजिल जरूर मिलेगी। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला वकील जो युवक है वो वकील बना है। वकीलों के जूते पॉलिश करते करते जो युवक है वो वकील बना है। तो युवक ने मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। जो युवक था वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बताया गया है। जूते वो पॉलिश किया करता था और अपनी मेहनत के दम पर आज उसने ये मुकाम हासिल किया है। सिर्फ अपने मेहनत के बलबूते पर वो आज वकील बना है। तो वकीलों के जूते ही ये जो है पॉलिश किया करता था और युवक ने मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। वकीलों के जूते पॉलिश करने वाला युवक आज खुद वकील बना है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भिवानी से सुमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, अच्छी खासी मिसाल पेश की गई है। युवक मेहनत के दम पर मुकाम हासिल कर चुका है, क्या कुछ अपडेट है? सुमित, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैं, हाँ बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमने कहावत सुनी है कि मेहनत करने वालों का, परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती, और युवक ने जिस तरीके से मेहनत की है, वकीलों के जूते वो पॉलिश करता था और आज खुद वकील बन गया है, क्या कुछ अपडेट है? निश्चित तौर पर नेहा, ना केवल वकीलों के जूते पॉलिश करता था, चौराहों पर जूते पॉलिश करता था, बल्कि साथ ही साथ और हाँ। भी कई सारी ऐसी बातें हैं, कागज बीनने का, कूड़ा बीनने का भी ये लड़का काम करता था, ये युवक काम करता था हाँ। उसके बाद उसकी खुशी का अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरह से उसी बार में, उसी कोर्ट में जहां पर जो वकीलों के जूते पॉलिश करने का काम करता था, आज वो वकील बनकर आया है। वकील बनकर लोगों के हितों की लड़ाई लड़ेगा, लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा। आज उसके लिए, उसके परिवार के लिए कितनी बड़ी बात है। और अगर उसके परिवार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूँ तो उसका परिवार जो है न्यायत ही गरीब परिवार है, हाँ। कलम बस्ती में रहने वाले ये लोग हैं, और चूंकि मकान भी नहीं बनाया था, शिक्षा पर सात भाई बहनों में, जो सात भाई बहनों का परिवार है, इसके पिता ने जो है घर का मकान भी खुद का नहीं बनाया था, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, वहीं से इसने जो है शिक्षा हासिल की थी, तालीम हासिल की थी, कूड़ा बीनने का काम करता था हाँ। और इसके अलावा जूता पॉलिश का काम करता था। जितने काम, जितने भी जैसे अगर काम किए जाए, इन कामों का मैं जिक्र करूँ, कहीं ना कहीं पिता के साथ हाथ बटाता था, जिससे रोजगार जुटाया जा सके, जिससे दो वक्त की रोजी, दो वक्त की रोटी जुटाई जा सके। तो सुमित, खुद युवक का क्या कुछ कहना है, कैसे उसने इतनी मेहनत की, किस तरीके से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं काफी मेहनत उसने की है और साथ ही साथ जूते पॉलिश करने का भी वो काम करता था, और आखिरकार उसने मुकाम हासिल कर लिया है, खुद वो वकील बन गया है, कैसे पूरा ये जो रास्ता है उसने तय किया, कैसे उसने शिक्षा जो है वो अर्जित की? मैं भी नेहा, सपने में भी कोई नहीं सोच सकता होगा कि जो शख्स कहीं ना कहीं जूते पॉलिश करता और उसी जगह पर आकर वो वकालत करेगा। लेकिन कुछ लोगों का मोटिवेशन था, उस मोटिवेशन की बदौलत, उस अभिप्रेरणा की बदौलत वो इस मुकाम तक पहुंचा था। साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी, शिक्षा भी जारी रखी, लोगों को पढ़ते हुए देखता था, लोगों को देखता था किस तरह से कोर्ट में, बार में वो आते हैं, उनको देखकर उसने कहीं ना कहीं शिक्षा भी हासिल की थी। उसके बाद जयपुर यूनिवर्सिटी से उसने LLB की डिग्री प्राप्त की, उसके बाद वकील बनकर आया। बड़े गौरव की बात, बिल्कुल बहुत गौरव की बात है। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो इसी के साथ ब्रिजेश खुद जो एडवोकेट बन चुके हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। थैंक यू। तो ब्रिजेश, जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने इतनी मेहनत की, क्या कुछ शिक्षा आपने, कैसे तालीम हासिल की है जो आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, खुद आप वकील बने हैं, काफी गौरव की बात है। जी ब्रिजेश, सुन पा रहे हैं आप? जी मैं ब्रिजेश नहीं बोल रहा, मैं उसका भाई बोल रहा हूँ, छोटा। चलिए, घर पे नहीं है। आपको बहुत बहुत बधाई सुल्तान। सबसे पहले आपके भाई ने ये मुकाम हासिल किया है, वकील वो बना है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार करेंगे? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरा भाई वकील बना है, और किस हालात में उसने वकालत की तौर पे आगे जाने की कोशिश की है हाँ। मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं भी उससे एक सीख लेता हूँ कि आगे मैं भी उसी की तरह बनूं। जी
चलिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई खबरें अभी तक की ओर से भी। तो देखा आपने कि किस तरीके से मेहनत अगर की जाए तो कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है, और इस युवक ने भी, ब्रजेश ने भी इसी तरीके से मेहनत की, अपनी शिक्षा, अपनी तालीम हासिल की, जिसके बाद आज वो खुद वकील बन गया है। फिलहाल हरियाणा हलचल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।